प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लगातार बात कर रहे हैं 12 राशियों की। हर वीडियो में हर एक राशि के बारे में जान रहे हैं कि नया साल 2023 का कैसा रहेगा, मगर साथ साथ साल के साथ साथ हम जान रहे हैं कि आप लोगों का आने वाला 2.5 साल कैसा रहेगा। हम नए साल की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आने वाले 2.5 वर्षों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि शनिदेव का गोचर होने वाला है 2.5 वर्षों के लिए। 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में रहेंगे, वायु तत्व की राशि है, शनि की राशि कुंभ और मकर मानी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें शनिदेव की, तो जब भी ये गोचर करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, तो 2.5 वर्ष बात करते हैं। इसके अलावा अगर पूरा एक चक्कर लगाते हैं 12 राशियों का, तो 30 साल में एक बार चक्कर लगाते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। 30 वर्ष बाद जो है कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इस वीडियो में केवल वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि आप लोगों के चतुर्थ भाव में हो रहा है गोचर। और इस समय पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों के एक सुख स्थान में, क्योंकि गोचर हो रहा है, आप लोगों को मास से संबंधित कुछ कष्ट हो सकता है। वहीं पर आप लोगों को इस समय पर अपने माता के खास तौर से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने परिवार को छोड़ करके कहीं परिवार वालों से दूर जाना पड़ सकता है। या तो आप विदेश जाना चाह रहे हो तो विदेश जा सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हो सकता है काम के सिलसिले में आपको दूर जाना पड़े अपने परिवारों से, तो परिवार और आपके बीच में इस समय पे दूरियां ज़रूर बन सकती हैं। मगर वहीं पे हो सकता है कि ये दूरी केवल और लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान, प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। मानसिकी हो, जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि आपकी वाणी के द्वारा भी ये दूरी बन सकती है, तो इसीलिए आप लोग वाणी पर भी नियंत्रण रखिए, क्रोधित ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। इसके अलावा वहीं पे बात करें आप लोगों के जीवन में बदलाव की, तो बदलाव इस समय पे आएंगे ज़रूर, मगर ये बदलाव आपको तनाव भी दे सकते हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो रही है, तुला से ख़त्म हुई तो आपके ऊपर शुरू हो रही है शनि की ढैया। जो आप काम करने की सोच रहे थे उसमें आपको परेशानी आ सकती है, कामों में रुकावटें आ सकती हैं, मगर इस समय पे आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी चाहते हैं, अगर आप कोई भी काम को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप अपना इनिशिएट करते हैं, तो आपको इनिशिएट ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय पे हो सकती है, तो आप अपने खास तौर से स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रख करके चलेगा। इंटरनली चोट लगना या फिर हाई ब्लड प्रेशर होना कॉमन सी बात होगी, इसीलिए आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेडिकेशन ज़रूर लें, मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, किसी भी चीज़ को लेकर के लापरवाही ना बरतें। वहीं पे माता के स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए। जैसे कि मैंने शुरुआती में ही कहा था कि माता से संबंधित कोई आपको हानि हो सकती है, इसीलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रख करके चलिए आप। वहीं पे बात करेंगे आप लोगों के अंतिम में आप लोगों को क्या करना है, मगर बात करेंगे स्टूडेंट्स की भी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मेहनत वाला रहेगा, इसमें भी आपको कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए मेहनत ज़रूर करते रहेगा। अब अगर बात करें आपके उपाय की, तो उपाय आपके लिए सही रहेगा यदि आप भगवान शनिदेव की उपासना करें, साथ साथ शनि स्त्रोत का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना बेहद ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। आपके राशि स्वामी भी मंगल हैं, मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है। इसीलिए शनिवार के दिन केवल, साथ साथ मंगलवार के दिन नियमित रूप से कर सके तो बहुत ही बेहतर है। हनुमान चालीसा 11 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से जो शनि की ढैया का प्रभाव है ये 2.5 साल में कम रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनुराशि के जातकों की, कैसा रहेगा धनुराशि का आने वाला ये 2.5 वर्ष। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।